नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्टार दो चैनल। और मैं आज आपको जो डेमो दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ, वो डेमो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। और इसका कंपैरिजन करेंगे जो मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल सकता है, आप देख रहे होंगे इसे। अब डेमो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये सवाल कि हमें कैल्शियम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं इस डेमो की तरफ। मेरे पास है 2 ग्लास मोदी केयर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और मेडिकल स्टोर कैल्शियम। इस डेमो को करने के लिए हम लेंगे विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी ही ग्रेविटी का एसिड हमारे पेट में होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये ईटेबल विनेगर है जो फास्ट फूड और अचार में भी यूज होता है। थोड़ा विनेगर लेंगे हम इस गिलास में, थोड़ा सा विनेगर इस गिलास में, दोनों को बराबर करेंगे। एक में डालेंगे मोदी केयर कैल्शियम आपके सामने, दूसरे में हमने डाली मेडिकल स्टोर वाली कैल्शियम, ये भी आपके सामने। आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा होगा, कुछ अलग नजर आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखेंगे आप, जो हमारा कैल्शियम है, और अच्छे से मिला लेते हैं इसे, वो आप देखेंगे धीरे धीरे घुल रहा है। और इस कैल्शियम ने ये देखिए क्या किया, ये पेट में जाने के बाद आपके साथ क्या करता। जी हाँ, डॉक्टर को भी पता है ये कैल्शियम फॉस्फेट है और जो हमारा है वो कैल्शियम साइट्रेट है जो दूध और फलों के अर्क से बना हुआ मोदी केयर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, और ये फॉस्फेट जो चूने पत्थर से बना हुआ। तो डॉक्टर इसके साथ साथ आपको एक गोली भी देते हैं जो कि आपके पेट में गैस ना हो, और ये बाद में ये कैल्शियम आपके पेट में पथरी से अलावा और बीमारी भी कर सकता है जिसको डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ ही समय तक लेना है। और मोदी केयर जैसा कि बताया दूध और फलों के अर्क से बना हुआ, ये आप रेगुलर डाइट में ले सकते हैं। इस डेमो के जरिए ये क्लियर हो चुका है कि आपको कैल्शियम कौन सा यूज करना चाहिए। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैल्शियम हमारे लिए क्या बेनिफिट कर सकता है और क्यों लेना चाहिए। वेल, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन भी कहा जाता है। कैल्शियम एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, ये हमारी हड्डियों को बनाने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। रेगुलर हार्ट बीट्स और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ सिम्टेनियसली हार्मोन सेक्रेशंस एंड एंजाइम में भी अपना रोल प्ले करता है। और जो 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में है, इसके बहुत ही ज़रूरी काम है। जैसा कि आपको बताया, हार्मोन सेक्रेशंस, एंजाइम रेगुलेशन और कई सारी केमिकल रिएक्शन के लिए भी, जैसा कि आपको बताया था हार्ट बीट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और 99% कैल्शियम जो हमारी बोन्स में पाया जाता है, इसी के कारण इसको कैल्शियम बैग भी कहा जाता है। बचपन से लेके जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, हम ये नोटिस करते हैं कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, कैल्शियम बोन मास इंक्रीज़ हो रहा है। इन फैक्ट इस चार्ट के माध्यम से भी आप समझेंगे, 0 से 35 साल की एज तक कैल्शियम बोन मास इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 35 से 60 साल के बीच में एक रैपिडली बोन मास डिक्रीज़ हो रहा है।
और यदि ये ऐसे ही कंटिन्यू लगातार रहा तो हड्डियाँ इतनी भुरभुरा जाएंगी जो थोड़ा सा भी टकराने पर टूट जाएंगी। इसको ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स कहते हैं। ये राइट साइड की जो इमेज है आप इसमें ये देख सकते हैं, जो राइट साइड में है वो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है और जो लेफ्ट में है वो नॉर्मल है। अब इसके खतरे से कैसे बचें, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे कि बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं ताकि उस डिपॉजिट मनी का हम बड़ी एज में जाने के बाद यूज़ कर सकें, वैसे ही हमें अर्ली एज में अपने शरीर में कैल्शियम का डिपॉजिट करना होगा ताकि हम बड़ी एज में जाने के बाद उस डिपॉजिट कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकें और इस ऑस्टियोपोरोटिक खतरे से भी बच सकें। रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग 1 से 9 साल के छोटे बच्चों के लिए 600 mg, 10 से 17 साल के बच्चों के लिए 800 mg और जो एडल्ट में मैन की रिक्वायरमेंट 600 mg और वोमेन की रिक्वायरमेंट है 1200 mg, यानी कि मैन के कंपेयर में डबल। वेल, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक एंड सीसेस कॉन्ड्रागुलरस। जान लेते हैं इसको खाने के फ़ायदे। इसमें है कैल्शियम साइट्रेट मिलेट जो बहुत ही इफ़ेक्टिव बायोअवेलेबल फॉर्म है कैल्शियम की, जो कि हमारी हड्डियों की डेंसिटी और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। विटामिन D2 हेल्प करता है ताकि केमिकल की ऑब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अच्छे से हो। मैग्नीशियम जो हमारी हड्डियों को सपोर्ट करता है और कई सारी केमिकल रिएक्शन कराने में भी हेल्प करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलके बोन्स बनाती हैं। विटामिन के हेल्प करता है जो कैल्शियम ब्लड में फ्लो कर रहा है वो आर्टरीज पे जाके ना चिपके। जिंक अमीनो एसिड जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव बायो अवेलेबल फॉर्म है जो हमें स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। सीसेस कॉन्ड्रागुलरस आयुर्वेदा में से हड जोड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्प्रूव करता है टूटी हुई हड्डियों को, टेंडेंस और लेगामेंट्स को भी मेंटेन करता है। कौन कौन ले सकता है इसको? हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर के साथ साथ अपनी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेटिक्स, हर बिजी एडल्ट। कैसे लेना है इसको? 1 टैबलेट 2 डेली या अपने शरीर के अकॉर्डिंग।